हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं ठीक 6, बच्चे गए हैं ट्यूशन और हमारी शाम वाली चाय हो चुकी है। इनके ऑफिस की कॉल है तो ये बाहर जो है अपनी कॉल ले रहे हैं। मैं बस अभी शाम की जो है दियाबत्ती करने जा रही हूँ। और हाँ, आज मुझे जाना था वैक्सीनेशन के लिए बट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया। और फिर 4 बजे जब हमने कॉल करके पूछा उन्हें तो उन्होंने बोला कि 3 बजे तक का ही टाइम है वैक्सीनेशन का, मतलब सुबह 9 से और दोपहर के 3 तक। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आज नहीं हुआ तो ना सही, कल हम लोग जल्दी जाएंगे और अपना जो ये काम है ना ये निपटा के आएंगे। तो मेरे लिए तो एक तरीके से काम ही है। वैसे मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ आज टल गया, आप कल ही जाएंगे। और बस बच्चे अभी थोड़ी बहुत देर में आएंगे। आज जो है डिनर में मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। तो आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिनों से कि दिया बहुत दिन हो गए आपने पुलाव नहीं बनाया। तो खिचड़ी वगैरह तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन पुलाव मैं बहुत कम बनाती हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा दिन हो भी गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए ठीक है फिर आज मैं जो है पुलाव बनाऊँगी। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है और सबसे पहले मैं जला लेती हूँ यहाँ पर कैंडल और उसके बाद अब मैं कट करूँगी प्याज। तो पुलाव के लिए जो है प्याज कट कर रही हूँ और उससे पहले बैठ के ना मैं मूंगफली खा रही थी। तो ये जो सीज़न की पहली पहली मूंगफली होती है ना, इसको खाने में मज़ा आता है, उसके बाद तो फिर बोर हो जाते, फिर मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। और बस 2 से 3 प्याज मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर पुलाव का जितना भी सामान है वो रेडी है। तो मैंने आलू काट लिए हैं और मटर रखे हैं साथ में, थोड़े से चावल और लहसुन और प्याज भी कट करके रखा है और एक टमाटर भी। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल मैंने कुकर में डाल लिया है। अब इसमें जो है ना मैं खड़े मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले जीरा और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग ऐड की है। अब इसमें मैं एक तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ और साथ ही जो मोटी वाली इलायची होती है वो, और 2 से 3 लौंग भी मैंने इसमें जो है ऐड की है। अब इसमें प्याज और लहसुन जो है ना वो ऐड कर देंगे। इसमें मैंने अदरक भी कट कर दिया था प्याज लहसुन में ही। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाला जब ये ब्राउन हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे ताकि जो मसाले हों तेल में अच्छे से जो है भून जाए। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक जो है इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर को पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए और सारा मसाला जो ऑयल है वो रिलीज़ ना कर दे। तो यहाँ पर हल्का सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा ना ड्राई हो गया था ये सब मिक्स। तो पानी डाल के अब अच्छे से पक चुका है ये देखिए यहाँ पर। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे मटर थे, आलू थे और साथ ही साथ जो चावल थे, सब कुछ इसमें ही ऐड कर देंगे। और फिर जो है ना उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और बस फिर पानी ऐड कर देंगे। और एक सीटी में मैं पुलाव बनाती हूँ, मतलब एक से ज़्यादा सीटी नहीं लगाती हूँ मैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा सीटी लगा दो तो फिर पुलाव अच्छा नहीं बनता है, वो बहुत गीला हो जाता है। एक सीटी में चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ मैंने जो है पानी ऐड कर दिया है इसमें और अब लगा देंगे ढक्कन, तो बस पुलाव बन के हो जाएगा रेडी। साथ ही साथ अब दूसरी तरफ ना ये कुछ बादाम है जिनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो मैं होममेड ड्राई फ्रूट पाउडर बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने आपको एक बार पहले बोला भी था कि जैसे ही बॉर्नविटा ख़त्म होता है ना मैं बच्चों के लिए होममेड ड्राई फ्रूट पाउडर बनाऊंगी, तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बादाम लिए हैं, बादाम ज़्यादा मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और इसको जो है ना मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है। तो ड्राई रोस्ट हल्का सा ऊपर जो स्किन होती है बादाम की ना वो चेंज हो जाती है। अब इसमें मैं थोड़े से जो है ना काजू ऐड करूँगी। तो ये ना 1 पाव काजू था तो मैंने इसमें से आधा जो है रख लिया है और आधे को ड्राई रोस्ट करूँगी और हल्का सा काजू का कलर भी चेंज हो जाएगा तब हम इसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मखाने। तो काजू जितने ऐड किए थे उतने ही इसमें मखाने भी ऐड करूँगी मैं, और मखानों को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। और आप चाहे ना तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पिस्ता था तो, लेकिन वो ना नमक वाला था और इसमें आपको बिना जो नमक वाला पिस्ता होता है ना वो ऐड करना होता है, उसको भी इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करना होता है। थोड़े से अखरोट भी ले सकते हैं आप, बट मैंने अभी सिर्फ 3 चीज़ों का ही बनाया है पाउडर। तो सब चीज़ों को जो है मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। अब मिक्सी में इनको डाल के जो है ना अच्छे से इनका पाउडर बना लूँगी मैं।
इसी बीच मैंने इसमें जो हरी इलायची होती है उसके दाने निकाल के, 6 से 7 हरी इलायची के दाने निकाल के भी ऐड कर लिए थे, तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है पिस चुका है, तो इसको जो है मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, तो बहुत अच्छे से बारीक पिस जाता है ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 कटोरी करीब चीनी लेंगे, उसको भी ऐसे ही मिक्सी में पीस देंगे और फिर इसी मिक्सचर के साथ जो है ना इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मिक्सचर है बादाम वाला ये गर्म नहीं होना चाहिए, वरना चीनी इसमें जो है ना पिघल जाएगी। तो पहले ही मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही जो चीनी आपने पीसी हुई है ना उसको इसमें ऐड कीजिए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो मैं इसको स्टोर करूँगी इस स्टील के कंटेनर में, और उसके बाद जो है इसका ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो आप चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीना जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से जो है ना ये बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो ये सारे काम करते करते जो है ना डिनर का टाइम भी हो गया था, तो बस यहाँ पर सबसे पहली प्लेट जो है मैंने बच्चों के लिए लगाई है, और उसके बाद यहाँ पर मैं भी अपनी प्लेट लेकर आ गई। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दिन है मंगलवार और सुबह की चाय का जो है मज़ा ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं ब्लैंकेट के अंदर आके बैठ गई थी, क्योंकि अभी ना अब सुबह सुबह ठंड लगने लगी है, तो इसीलिए मैं स्वेटर भी डाल के रखती हूँ और ब्लैंकेट भी मैंने ओढ़ा हुआ था। साथ ही साथ जो है ना न्यूज़ भी चल रही थी, तो सर्दियों में ना मुझे यही अच्छा लगता है, इसी तरीके से ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाना, उसके बाद चाय वगैरह पीना। तो बस अपनी चाय वाय पीने के बाद यहाँ शुरू होती है मेरी सुबह। तो ट्यूसडे की मॉर्निंग मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा रही थी, क्योंकि हमें जाना था वैक्सीनेशन के लिए, जो दूसरी डोज लगनी थी, लेकिन ट्यूसडे वाला दिन भी वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उस दिन इनका ऑफिस का बहुत सारा काम था। उस दिन भी हम लोगों को 4 ही बज गए, तो वो दिन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं किस दिन हमें टाइम लगता है, अब या तो फ्राइडे सैटरडे ही हम लोग जाने वाले। तो ट्यूसडे फिर दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, और ये है इवनिंग का टाइम, तो यहाँ पर बच्चों को मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इनका जो है ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो बस इनको तैयार करके सबसे पहले जो है मैं ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद जब मैं घर आई तो इन्होंने चाय भी बनाई हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि चलो फाइनली आज पहली बार जो है ना इन्होंने चाय तो बनाई। हालांकि उसमें इन्होंने इतना ज़्यादा अदरक डाल दिया था ना कि बिल्कुल गले में ना जलन हो रही थी, बट फिर भी चाय बना दी, वही बहुत था। तो ये 6:30 बजे का टाइम है, बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, तो बस उनके लिए मैं कर रही हूँ मिल्क गरम। तो मलाई वाला जो मेरा बर्तन है वो फुल भर चुका है, तो आज पूरी नाइट जो है मैं उसको निकाल के रख दूँगी, नेक्स्ट डे फिर जो है ना मलाई का मक्खन निकालूँगी और फिर उससे घी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बच्चों को दे देते हैं मिल्क। तो इस टाइम पे मैं बच्चों को चॉकलेट वाला मिल्क दे रही हूँ, तो ये ना बच्चों का प्रोटीन पाउडर होता है ना वो है, तो वो मैं ले ही आई थी, वो बचा हुआ था। तो जो है इवनिंग के टाइम मैं इनको ये वाला मिल्क देती हूँ, और फिर जब नाइट होती है ना तो नाइट में मैं इनको वो बादाम मिल्क देती हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वंशिका को तो इतना ज़्यादा पसंद आया ना वो मिल्क। वेदांश थोड़ा सा नखरे करता है ये सब चीज़ें खाने पीने में, बट उसको भी मैंने ज़बरदस्ती वो मिल्क पिलाया, लेकिन वंशिका ने तो बहुत खुश होकर पिया।
और साथ ही साथ जो है ना मैंने एक तरफ कपड़े भी लगा दिए हैं, तो नाइट में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे एंड मॉर्निंग में फिर जो है ना मैं उन्हें सूखने के लिए डाल दूंगी। और इधर जो है बच्चे कर रहे हैं अपने ट्यूशन का काम, तो अब थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा बिजी हो गए हैं बच्चे। पहले दोपहर में स्कूल का होमवर्क करते हैं वो, और फिर इवनिंग टाइम वो अपना ट्यूशन का होमवर्क करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे बच्चे थोड़ा सा बिजी रहे ना। और डिनर के बाद जो है ना हम लोग जाएंगे वॉक पे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मा वॉक पे चलो, आप हमें पार्क नहीं ले जाते हो। और इसी से रिलेटेड कमेंट भी आया था मेरे पास कि दी आप लोग घर से बाहर नहीं जाते हो क्या पार्क वगैरह? तो पहले हम लोग जाते थे, जब से ये कोरोना वाला हुआ है ना सीन, तब से जो है हम लोगों ने बाहर थोड़ा सा अवॉइड ही कर दिया है, स्पेशली बच्चों को लेकर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन तभी जाते जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है या फिर बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद करते हैं तभी हम लोग जाते हैं, क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक जो है ना घर में बोर हो जाते हैं। तो आज हमने प्रॉमिस किया है तो लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिनर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जाने वाले हैं। और ये देखिए अब हम सब निकल चुके हैं पार्क में, तो वेदांश कर रहा है अपनी साइकिलिंग और वंशिका बस ऐसे ही खेल लेगी, हम लोग थोड़ी देर वॉक कर लेंगे। तो ज़्यादा देर हम लोग पार्क में नहीं रुके, हार्डली हम लोग आधा पौन घंटा ही रुके, क्योंकि जो नाइट में ना पॉल्यूशन सा ज़्यादा होने लगता है तो अजीब सा होने लगता है ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, तो दिन है आज बुधवार, सुबह के बज रहे हैं ठीक 9:30 एंड ये चले गए हैं ऑफिस, बच्चे कर रहे हैं अपनी क्लास। हल्की हल्की सी ठंड जो है ना वो लगने लगी है, इसलिए मैंने स्वेटर भी डाला हुआ है। एंड ये जो वीडियो है ना ये चल रहा है मंडे से, तो मंडे पूरा ये वीडियो चला, उसके बाद जो है ट्यूसडे भी वीडियो चला, तो मैं इसका एंड ही नहीं कर पा रही, उसका मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था कि मैं इसका एंड कर सकूं। तो फाइनली आज बुधवार की मॉर्निंग जो है इस वाले वीडियो का मैं करने जा रही हूं एंड, क्योंकि अभी जो है मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। सुबह से चाय नहीं पिए क्योंकि जिस दिन इनका ऑफिस होता है उस दिन तो बिल्कुल भाग दौड़ रहती है कि पहले इनको ऑफिस भेज दो, और अभी जाऊंगी चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले कर देते हैं वीडियो का एंड। था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।